Assalamualaikum, welcome back dear students. Part 1 Constable ANF का हम कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह. Part 2 पे हम लोग पहुंच चुके हैं. Part 1 में हमने इस्लामिक स्टडी का 21 क्वेश्चन जो था वो भी सॉल्व कर लिया था. अब 22 से स्टार्ट करेंगे. तो आई होप आप सब लोग ठीक होंगे. तो पास्ट पेपर को सॉल्व करने का एक तो ये फायदा होता है कि जो नेक्स्ट पोस्ट के लिए आते हैं तो किसी भी जरूरी नहीं कि ANF से ही रिलेटेड वो PPSC NTSC, FPSC ये सभी अदारे पेपर सेटर तो इनके सेम ही होते हैं. तो वो डिफरेंट क्वेश्चन को शफलिंग करके कभी किसी में कौन सा कभी किसी में कौन सा क्वेश्चन दे के उठा के दे रहे होते हैं. जनरल नॉलेज और जो जनरल साइंस है, इस्लामिक स्टडी है, इंग्लिश, ये मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं. तो 40-50% ये किसी ना किसी पेपर में पहले क्वेश्चन आए होते हैं, बल्कि इससे भी ज़्यादा होते हैं, 70% भी. बल्कि आप गूगल करेंगे क्वेश्चन तो आप देखेंगे वो किसी ना किसी पेपर में आया होता है. तो बेहतरीन इनका हल यही है कि आप लोग जो पहले पास पेपर हैं उनको सॉल्व करें. और पास पेपर को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका होता है कि अगर खुद सॉल्व करना थोड़ा सा टाइम भी वेस्ट नहीं होता है. पास पेपर सॉल्व करने का सबसे बेहतरीन तरीका तो यही है कि जो सॉल्व पेपर अगर मिल जाए तो उससे आपका टाइम भी बच जाएगा, आपको गाइडलाइन भी मिल जाएंगी. तो इसीलिए मैं ये सीरीज़ बना रहा हूँ ताकि आप लोगों की हेल्प हो. तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि जो लोग दूसरों की मदद करते हैं अल्लाह भी उन्हीं की मदद करते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 22 है. ये पेपर जो है थोड़ा सा ब्लर है, तो मैंने क्या किया है कि मैंने नोट पैड पर ये क्वेश्चन सारे सॉल्व कर लिए. तो अब मैं आज आपको ये जो सारे क्वेश्चन हैं जो है ये नोट पैड से आपको करवा देता हूँ, जहाँ पे मैंने इनके आंसर भी किए हुए मेंशन, ताकि आप लोगों को ब्लर वगैरह का ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो. 21 कर चुके थे लेकिन दोबारा हम रिपीट कर लेते हैं. 20 जो है 1 हम कर चुके थे लेकिन दोबारा इसको एक दफ़ा कर लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल होली कुरान वाज कलेक्टेड बाय हज़रत अबू बकर के दौर में. मैंने कहा था आपको कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में जो कुरान पाक था ये कलेक्शन होनी शुरू हो गई थी, लेकिन इसको तकमील हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दी. 22 है जो अभी आज हमारा क्वेश्चन है. द कलेक्शन ऑफ होली कुरान वाज कम्प्लीटेड इन हाउ मैनी टर्म्स. तो जो कुरान की कलेक्शन है ये 3 टर्म में जनाब कम्प्लीट हुई है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है, आप इसको याद कर लीजिएगा. कितने टर्म में? 3 में. अल्लाह विल लव यू ड्यू टू डिफरेंट. इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, वो भी मैं आपको पेपर बल्कि पेपर ही शेयर कर दूंगा अगर कहेंगे तो. इसकी जो पिक्स हैं वो मैं आपको, मैं अपना पेज का आज फेसबुक पेज का लिंक शेयर करूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, आप लाइक कीजिएगा. वहाँ पे मैंने ये पेपर अपलोड किया हुआ है तो वहाँ पे आपको ये इसकी पिक्स मिल जाएंगी. तो अभी फ़िलहाल हम इसको नोट पैड पर सॉल्व कर लेते हैं ताकि टाइम भी बच जाए और हमें जो ब्लर का इशू है वो भी सॉल्व हो जाए. तो होली कुरान की कलेक्शन 3 टर्म में हुई है जी. 23 पे चलते हैं. अल्लाह विल लव यू ड्यू टू ओबीडियंस ऑफ होली प्रॉफिट. नबी अलैहिस्सलाम की फरमा बरदारी की वजह से अल्लाह आपसे मोहब्बत करते हैं. तो इसका आंसर ओबीडियंस ऑफ होली प्रॉफिट था. 24 था जी. हु सेंट कॉपीज ऑफ होली कुरान टू प्रोविंशियल गवर्नमेंट. तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कुरान पाक को जब कम्प्लीट कर लिया तो उन्होंने इसकी जो कॉपीज़ थी वो जितनी उनकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी उनको उन्होंने सेंड कर दी. 25 है जी. लास्ट होली बुक ऑफ अल्लाह. बहुत ही आसान MCQs, बेसिक MCQs. बीइंग अ मुस्लिम, हमें ये तो नॉलेज है कि हमारे कुरान पाक अल्लाह की आखिरी किताब, हमारे पैगम्बर हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी पैगम्बर हैं. 26 पे चलते हैं जी. हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द होली कुरान. तो ये अल्लाह ने कुरान में फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्नहु लहू लहाफिज़ून. बेशक हम ही ने ये ज़िक्र नाजल किया और हम इसी के मुहाफिज़ हैं. तो अल्लाह पाक इसके प्रोटेक्शन है, इसके प्रोटेक्टर हैं. और कुरान का ये मौजज़ा भी है कि इसमें कोई तब्दीली नहीं आ सकती. नबी अलैहिस्सलाम का भी सबसे बड़ा मौजज़ा कुरान पाक था. ये लास्ट पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था कि नबी अलैहिस्सलाम का सबसे बड़ा मौजज़ा कौन सा था, तो वो कुरान था. इन विच बैटल रैंसम ऑफ प्रिजनर इज़ टू टीच द 10 मुस्लिम चिल्ड्रन. तो ये जंग बदर में जी, जब पहली जो जंग थी कुफ्र इस्लाम की, उसमें नबी अलैहिस्सलाम ने जो जंग बदर के कैदी थे उनको आपने हुक्म दिया था कि वो जो अभी मतलब ज़कात, सॉरी, वो जो जिज़िया पेश नहीं दे सकते तो वो क्या करें,
वो जनाब मुसलमानों के 10 बच्चों को जो बंदा पढ़ाए उसको आज़ाद कर दिया जाएगा। तो इसका आंसर था जी, बैटल ऑफ बदर के कैदियों को नबी अलैहिस्सलाम ने, आपने उनको हुक्म दिया कि वो 10 बच्चों को पढ़ाएं तो उनको आज़ाद। 28 पे चलते हैं जी, ज़कात कांट बी गिवन टू, तो ज़कात किसको नहीं दी जा सकती, किसको नहीं दी जा सकती। तो ये इसमें भी ANF के ASI पेपर में भी आया हुआ था। तो ज़कात जनाब पेरेंट्स को भी नहीं दी जा सकती, ऑफस्प्रिंग को भी नहीं दी जा सकती, सैयद फैमिली, हाँ नबी, क्योंकि आले जो रसूल है उन पे भी ज़कात हराम है। वो डिड जिहाद अगेंस्ट दोज हु डिनाई पेइंग ज़कात। तो ये मैं एक वीडियो बना भी चुका हूँ ज़कात के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs, वो उसका लिंक मैं इसके साथ शेयर कर दूंगा। तो उसमें भी ये था कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला ने बकायदा तौर पे मुनकरीने ज़कात के ख़िलाफ़ जिहाद का ऐलान किया, और हज़रत अबू बकर ही ने ये फरमाया था कि मेरे नज़दीक नमाज और ज़कात में कोई फ़र्क नहीं। तो इसका आंसर अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। तो ज़कात इज़ डिफाइंड ऑन हाउ मैनी शीप एंड गॉड्स, तो ये भी उस वीडियो में है, प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने ये सभी चीज़ें 20 या 25 के करीब MCQs हैं जो मोस्ट रिपीटेड, मोस्ट, ये भी उसी में MCQs दिया हुआ है, आप देखेंगे तो वो जो मैंने वीडियो शेयर की है। तो ज़कात से रिलेटेड आपको कोई भी MCQ आ जाए वो 10-15 मिनट की वीडियो आप देख लें, इंशाल्लाह वो आप सॉल्व कर लेंगे। तो शीप या गॉड इनमें से कोई भी 40 हो तो इस पे ज़कात जनाब आपको एक गॉड देनी पड़ेगी। हाउ मैनी टाइम्स ज़कात इज मैंशन अलॉन्ग विद 10 ला इन होली कुरान। तो लास्ट पेपर में आया हुआ था जी कि ज़कात कुरान में अलग, मतलब जो सेपरेटली कितनी दफ़ा मेंशन है, केला ज़कात वर्ड ये 32 टाइम आया है, लेकिन जब नमाज के साथ आया तो ये 82 टाइम है। वैसे कितनी दफ़ा आया जी, 32 टाइम ये अकेला वर्ड आया सिंगल, मतलब जब इसका अलग जिक्र किया जब नमाज के साथ तो 82 टाइम। अल्लाह प्रॉमिस द मुस्लिम डैट, अल्लाह ने मुसलमानों से क्या वादा किया है, अल्लाह ने मुसलमानों से वादा किया है, ये कुरान की आयत है कि ही विल कास्ट टेरर इन टू द हार्ट्स ऑफ इनफिडल्स, के वो जो काफिर लोग हैं जो मुनकर लोग हैं उनके दिलों में मुसलमानों का खौफ पैदा करेगा अगर मुसलमान क्या वो मोमिन होंगे, तो अल्लाह का ये वादा है। तो ये भी बहुत है इंपॉर्टेंट MCQs, कुरान की आयत का मतलब मफहूम है कि अल्लाह ने वादा किया है कि वो काफिरों के दिलों में मुसलमानों का डर पैदा करेगा। व्हाट इज़ द लिटरल मीनिंग ऑफ बिट्रे, बिट्रे का मतलब होता है चीट करना भी इसका होता है, डिसऑनेस्टी भी होता है, डिसीव भी होता है, तो इसका ऑल ऑफ दीज आंसर। तो विच इज़ इंक्लूडेड इन फ्रेज वजू, विच इज़ इंक्लूडेड इन द फ्रेज वजू में कौन सी चीज़ें इंक्लूड हैं, तो इसमें 3 DVT टू वॉश माउथ, वाइप द हेड विद द वेट एंड वॉश द फीट। तो ऑल ऑफ दीज था जी, क्योंकि कुरान पाक में जो सूरह मायदा में है उसमें ये तीनों चीज़ें मेंशन है कि हाथ धोने हैं, सर का मसह है और पाँव धोने हैं। आगे जी 35 पे चलते हैं, गुसाले गसीले मलाइका इज़ द टाइटल ऑफ हजरत हंजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs, इनको गसीले मलाइका भी बोलते हैं। इनको हजरत हंजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को गज़वाए उहद में मलाइका ने गुस्ल दिया था, तो इनको गसीलुल मलाइका जो है ये हजरत हंजला रजी अल्लाह तआला अन्हु का टाइटल है। तो अगर ये क्वेश्चन मोस्टली अक्सर पेपरों में आया था कि गसीलुल मलाइका कौन से सहाबी हैं, तो हजरत हंजला रजी अल्लाह तआला अन्हु गसीलुल मलाइका हैं। विच प्रॉफिट इज द मोस्ट मेंशन इन द होल कुरान, तो हजरत मूसा अलैहि सलाम का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है MCQ जी के, सबसे ज्यादा जिक्र किसका है, तो हजरत मूसा का, और 130 टाइम है, ये भी याद रख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 37, बैटल ऑफ यामा इज फॉट अगेंस्ट, तो जंगे यमामा जो थी, यमामा वर्ड है, इसको थोड़ा सा प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा, बैटल ऑफ यमामा इज फॉट अगेंस्ट मुसलमा कज़ाब के खिलाफ, जिसने झूठी नबूवत का दावा किया था उसके खिलाफ की थी। ये क्वेश्चन आ सकता है, उस शख्स का नाम, इसका नाम मुसलमा कज़ाब था, इस बैटल का नाम यमामा था, इसमें जो खलीफा थे हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। तो ये लास्ट पेपर में आया हुआ था कि कौन से सहाबी हैं, कौन से खलीफा हैं जिन्होंने
जो जो मतलब फॉल्स रसूल हैं उनके खिलाफ जिहाद किया, तो वो थे हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उन्होंने बाकायदा तौर पे मुहिमात की ऐसे लोगों के खिलाफ जिन्होंने झूठी मोहब्बत के दावे किए। कुफा वाज बिल्ट ऑन द ऑर्डर ऑफ हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ऑर्डर पे कुफा को बिल्ट किया गया। सॉरी, ये क्वेश्चन जो कुफा वाज बिल्ट ऑन द ऑर्डर ऑफ हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इसका आंसर हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। आगे जी चलते हैं 39 पे। ये ऑर्डर सेट कर लीजिएगा प्लीज़, ये 40 है, ये 39 है। तो ट्राइपोली वाज कंकर्ड इन द रॉइन ऑफ हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में जी। ट्राइपोली ये कंकर्ड किया गया था, इसको फतह किया गया था। 40 है जी, 40 क्वेश्चन। द फोर्थ पिलर ऑफ इस्लाम इज, इस्लाम का फोर्थ पिलर क्या है? तो पाकिस्तान स्टडी के क्वेश्चन है जी, आगे वो भी इसी वीडियो में सॉल्व कर लेते हैं 47 तक। बाकी इंशाल्लाह पार्ट 3 या पार्ट 4 में बाकी पेपर के पोर्शन करेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर है जी पाकिस्तान स्टडी का 41 जो है, तो भुट्टो डिक्लेयर अ न्यू लेबर पॉलिसी ऑन, तो भुट्टो ने न्यू लेबर पॉलिसी 10 फरवरी 1972 को डिक्लेयर की थी। ये डेट याद कर लीजिएगा, 72 थी जब फॉल ऑफ ढाका के बाद भुट्टो साहब प्रेसिडेंट बने और फर्स्ट सिविलियन मार्शल बने। तो उन्होंने ये फरवरी 10 1972 में डिक्लेयर किया था न्यू लेबर पॉलिसी। इन विच सेंचुरी डिड पाकिस्तान केम इन टू बींग, तो पाकिस्तान जी 20th सेंचुरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए कि बच्चे 1947 में कन्फ्यूज हो जाते हैं कि वो 19, असल में 20th सेंचुरी है, वो 19 कंप्लीट होने के बाद 20th सेंचुरी है। तो इसमें कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सभी तो नहीं माशाल्लाह, मुझे पता आप लोग इंजीनियर्स हैं, तो लेकिन बाद मैंने बच्चों को देखा कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं, वो इसको 19 याद रख लीजिएगा अपने माइंड में 20th सेंचुरी। अ सीट ऑफ कोऑर्डिनेटर वाज क्रिएटेड इन टू ब्रिंग द ऑनर एंड लेबर क्लोजर टुगेदर इन द फैक्ट्रीज, तो ये कोऑर्डिनेटर की सीट क्रिएट की गई टू ब्रिंग द ऑनर एंड द लेबर क्लोजर टुगेदर इन फैक्ट्रीज में कोऑर्डिनेटर की। टोटल मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली आर 352 है जी नेशनल असेंबली के, तो जो मेंबर हैं इसमें ये जो खसूसी सीटें हैं वो भी शामिल हैं। आगे चलते हैं जी, तो हम लोग क्वार्टी 35 पे या 43 पे थे, तो 43 के बाद हम चलते हैं 44 पे। 44 है जी, हेड ऑफ द स्टेट अकॉर्डिंग टू द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान। हेड ऑफ स्टेट है और हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन से है? पीएम होता है हेड ऑफ द गवर्नमेंट। और 18वीं तरमीम के बाद पाकिस्तान में प्रेसिडेंट का अहदा ओनली आ सिंबॉलिक प्रेसिडेंट होते हैं, मेन जो पिलर होते हैं वो पीएम प्राइम मिनिस्टर होता है। तो 73 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है पाकिस्तान का, इसमें हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट है और जो हेड ऑफ गवर्नमेंट है वो पीएम है। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद स्टार्टिंग वर्किंग ऑन, ये बहुत इंपॉर्टेंट ज़िया के दौर में 1981 में इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में जो इसने वर्क करना शुरू किया। द लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज जनरल असम्बली है, जिसके 193+ मेंबर हैं, तो ये इसका लार्जेस्ट ऑर्गेन है। हु कंपाइल द फर्स्ट उर्दू दीवान, तो सुल्तान मोहम्मद कुतुब शाह ने जी फर्स्ट उर्दू का दीवान कंपाइल किया था। तो यहाँ पे डियर फ्रेंड्स हम आज का वीडियो ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्द, वो भी मैं कोशिश करूँगा आज ही अपलोड कर दूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें और अपना ख्याल रखिएगा। और इंशाल्लाह मैं आपके साथ बाकी भी मोस्ट 100 रिपीटेड एमसीक्यूज, जो जनरल नॉलेज के मोस्ट 100 मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज जो हैं इसके, जनरल साइंस के, मैथमेटिक्स के, मैथ मैथ के क्वेश्चन मैं आपको बकायदा तौर पे टेक्निक्स बताऊंगा बेसिक मैथ के, उसमें पेपर को कैसे सॉल्व किया जाता है। बींग अ इंजीनियर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मैथ में बहुत ज़्यादा बुरा है, तो मैं कोशिश करूँगा आपके साथ आपको मैथ की वो ट्रिक्स बताऊँगा कि आप जो 20 क्वेश्चन आते हैं मैथ के एफपीएससी या पीपीएससी की 17-16 पोस्ट में, तो वो आप आसानी से करें।